पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जिसने भी बाबर को मारा है बहुत चाहते रहे वो, ऐसा बिन बुलाए तूफान की तरह प्रकट हो गया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आज नहीं तो कल, आशा तो पलटेगा ही। जो गलत काम करके ऊपर जाता है ना, उसे एक दिन नीचे आना ही पड़ता है। अब जवाब हमें नहीं उसे देना सत्य, जो आएगा तेरा हिसाब करना। यानी 14 साल से आप कोमा में थे, आपको कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता था, लेकिन मानो सब कुछ जानता था। पता था कि सत्या का चक्री शासन चल रहा होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मानो एक जिंदा लाश बन के रह गया था। अंदाजा था मुझे, अंदाजा था सत्या की बढ़ती हुई ताकत का। गुस्सा भी आता था, लेकिन उस गुस्से को जाहिर करने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास। मेरा शरीर मेरे कहे में नहीं था, मानो मैं कैद था अपने शरीर में। और वो सब कुछ सत्या के कारण। नहीं, बहने दो खून, लगने दो चोट, ये दर्द ही तो एहसास दिला रहा है कि अंकुश अभी जिंदा है। उसके अंदर की आग जिंदा है, अंकुश का बदला जिंदा है। उन्हें दो दर्द था, बस हो गया बाबा। सबको जितना दर्द भुगतना था ना बाबा, सबने भुगत लिया, अब और नहीं। अब मैं हूं आपके साथ, हम दोनों मिलकर उस सत्या को उसकी किए की सजा देंगे। हम अपना इंसाफ लेकर रहेंगे बाबा। बस जला था इंसाफ नहीं चाहिए। बदला चाहिए, सिर्फ बदला। बदला मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो छीन कर लेंगे बदला। सत्य राज्यवतकर को तिल तिल करके मरना होगा। उसकी सांसें छीन कर ही अब मुझे सांस मिलेगी। उसे मार कर ही मैं जिंदा महसूस करूंगा। न भावना न संवेदना, कमजोर होने का ऑप्शन ही नहीं। इस बार सिर्फ प्रहार होगा। सत्या पे वार होगा, सत्य का खात्मा, और कुछ नहीं। अंकुश दादा, चोट लगी है, उसे खून निकल रहा है। तो योद्धा है, और एक योद्धा के लिए उसका खून बहना उसका गर्व होता है, उसका अभिमान होता है, उसकी शान होता है। जैसे ये
जिसने ऐसे घाव का निशान छोड़ा है जो जिंदगी भर नहीं मिटेगा, और जो हमें मारता नहीं है हमें और मजबूत बनाता है। थोड़ी देर में आके बात करता हूँ तुमसे। बाबा बाहर तूफान है, अब कहाँ? चट्टाने तूफानों से डरा नहीं करते हैं। मर के जिंदा हुआ हूं, कुछ नहीं होगा मुझे। ये तो मैं ये सही भी है। रमेश फर्स्ट एड लेकर आओ। तुम दोनों ने अंकुश को हमसे छीना, आर्या को हमसे छीना, तो हाय तो लगेगी ही, बद्दुआ तो लगेगी ही। चौदह साल का कड़ा वनवास, एक इंसान की क्या हालत कर देता है। मेरे बाबा क्या थे और क्या बन गए हैं? जनका का क्या हुआ? बाबा वापस आ गए, अब खुश नहीं लग रहे। बेटा खुश तो हूँ, लेकिन जो लौटा है ना वो अंकुश नहीं है, कुछ तो बदल गया है। काका, बाबा सदमे में है। नहीं बेटा, वो सदमे से बाहर आ चुके हैं, वो तूफानों से गुजर चुके हैं और उसी तूफान ने उनको बदल दिया, शायद हमेशा के लिए। बेटा जो इंसान जिंदगी भर इंसाफ के लिए लड़ता रहा उसी का इंसाफ से भरोसा उठ गया, मरता मारता रहा अपने परिवार के लिए, उसी को पीछे छोड़ दिया। बेटा एक बार भी बेला वहिनी के बारे में नहीं पूछा, जही के बारे में नहीं पूछा उसने। उसका शरीर तो आ गया है लेकिन आत्मा कहीं पीछे छूट गई है अंकुश दादा की। काका आप समझ नहीं रहे, 14 साल काफी लंबा समय होता है। शरीर नदी अपना रुख बदल देती है, पर्वतों की शक्ल मरोड़ देती है। मेरे बाबा तो फिर भी इंसान है। काका हमें उन्हें समय देना होगा, सब ठीक हो जाएगा, वो पहले जैसे हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो मेरे और जय के बाबा बन जाएंगे, मैना हत्या के दादा, आजो बाबा और आजी के बेटे, मेरी गुड़काकी के प्यार। आप इतना मत सोचिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ओके, फिलहाल हमें इस बात के लिए पापा को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने मेरे बाबा को वापस भेज दिया, और बाबा के आने से ना हमारे मिशन को एक नया मकसद मिला है। और इतना ही नहीं काका, अब तो हमारा एक क्या भी हमारे साथ है। बेटा लेकिन ये एक क्या युग क्यों बना घूम रहा है? इसे होश में तो आने दीजिए, फिर लगाती हूँ ना इसकी क्लास। कई सारे सवाल है जिनके जवाब चाहिए मुझे। मैं योगी बेर, मॉम ना कॉल ना मैसेज, कुछ हता पता नहीं है उसका। मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। I know it. जाई, जाई, शांत हो जा बेटा। देख, देख जो। मॉम कुछ। क्या? अभी क्या हो गया? साई वो युग का कुछ पता नहीं चल रहा है कहीं उसे कुछ। अरे अरे आदमी भेजे है ना अभी उसके पीछे मालूम करने के लिए, पता चलेगा तो बोलेगे तेरे को, ठीक है? थोड़ा शांति से बैठ अभी। चुप चुप शांत। हाँ बोल। वो युग का पता चला गया? आओ, युग दादा की गाड़ी जंगल के पास मिली है। जंगल के पास गाड़ी मिली उसकी, मतलब क्या? एक काम कर, वहाँ जाके देख, अकेला था, गाड़ी में कोई था के नहीं उसके साथ,
इधर क्या गया, हाँ क्या हुआ, सब डिटेल मेरे को जल्दी दे। समझ में आ रहा है तेरे को? जी भाऊ साहब। हाँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।